नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत बढ़िया स्टॉक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि कंपनी कर क्या रही है। ये ड्रिंक बनाती है, ड्रिंक मीन्स दारू। तो इसके बारे में बात करते हैं कि क्यों ये कंपनी आगे जाके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। कंपनी को अच्छा खासा यहाँ पे बिजनेस मॉडल भी है, कंपनी बहुत बेहतरीन है। और लॉन्ग टर्म के लिए बात करेंगे सो इट्स अ मल्टी बैगर स्टॉक। अगर आप होल्ड करते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो कंपनी के एक जमाने में 5 साल के प्रॉफिट 50 करोड़ रहते थे। अभी एक ईयर के जो बिटवीन में है उन्होंने 50 करोड़ का प्रॉफिट किया। सो इट्स वेरी गुड कंपनी फॉर अ लॉन्ग टर्म। कंपनी का स्टॉक भी बहुत कम है और आगे जाके कंपनी बहुत अच्छा खासा कर सकती है। अभी भी डिमांड जोन पे है और यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 1000 रुपये के शेयर प्राइस पे है, बट द मेन थिंग कि कंपनी 1700-1800 रुपये से अभी करेक्ट हो चुके हैं। सो लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर बहुत अच्छा खासा कर सकता है। मैं इसका नाम और कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा। फंडामेंटल में सारे के सारे इस कंपनी के जो मेन चीज़ें हैं, जैसे कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी का स्टॉक पी कितना है और बाकी सारी रेशियोज है वो उसके बारे में बात करेंगे। टेक्निकल पे कंपनी का एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लॉस में बताने वाला हूं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक चारों का भी लिंक है, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम पर मैं बहुत सारे ट्रेड देता रहता हूं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकते हैं फॉर प्रॉफिट्स। सो प्लीज एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कीजिएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी का नाम है ग्लोबल स्पिरिट लिमिटेड। अभी शेयर के बारे में आपको पता होगा, कंपनी बहुत बड़ी है एंड लगभग हम देख सकते हैं तो इट्स लॉन्च्ड इन 1992 में बनी थी। उसके बाद वोल इंडिया में स्प्रेड की और बहुत अच्छा खासा बिजनेस भी है। इस कंपनी का एक्सपोर्ट से भी अच्छे खासे रेवेन्यूज आ जाते हैं। अगर कंपनी का माइलस्टोन देखेंगे तो लार्जेस्ट ग्रेन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इन इंडिया। इट्स वेरी गुड बिकॉज इसके एक न्यूज़ भी रिलेटेड आया जिसकी वजह से इसके मार्जिन बढ़ सकते हैं। ग्रेन बेस में एक गवर्नमेंट की तरफ से कंसेशन दिया गया है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। कंपनी के फंडामेंटल्स पे लुकआउट करते हैं, उसके बाद मैं आपको चार्ट्स पे बताऊंगा कि शेयर प्राइस कितनी करेक्ट हो सकती है या फिर कितने पे हम बाय करें और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा। देखो दोस्तों, फंडामेंटल सीख जाओगे, टेक्निकल सीख जाओगे तो खुद से भी स्टॉक्स चूज करना आ जाएगा, अदरवाइज दूसरों के स्टॉक्स पे चलना पड़ेगा। इट्स नॉट गुड बिकॉज वो कब एग्जिट कर रहा है वो आपको एग्जिट करने के टाइम नहीं बताएगा। सो प्लीज फोकस्ड ऑन व्हाट आई एम सेइंग कि क्यों फंडामेंटल्स आर मोर इम्पोर्टेंट। अभी जो इनके लिए एक न्यूज आई है उसकी वजह से इनके मार्जिन बढ़ेंगे और मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मार्जिन मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। बिकॉज अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई कोई कंपनीज के देखो 1-2% पे मार्जिन करते हैं, वो 1-2% के मार्जिन पे बिजनेस चलता है उनका। सो यहाँ पे अगर कोई भी इनका कंपटीटर आता है तो उनका वो बिजनेस खत्म कर सकते हैं इजीली। आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप फिक्स कस्टमर्स नहीं है और कस्टमर किसी के भी फिक्स नहीं होते, जहाँ पे कोई अच्छी सर्विस दे, अच्छी चीज़ें दे, कस्टमर वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। इनके मार्जिन अच्छे हैं और बढ़े हुए भी, मैं इनके बारे में बात करूँगा, बट अभी जो न्यूज़ आई है उसकी वजह से इनके मार्जिन क्यों बढ़ेंगे और वाई मार्जिन आर इम्पोर्टेंट इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है? समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए किसी कंपनी के मार्जिन 2% है, आपको बहुत सारी कंपनीज बताऊंगा जिनके मार्जिन 2-3% है। और अगर कोई कंपनी जो कि बड़ी एक ब्रांड कंपनी है या फिर पेरेंट कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, वो आती है उसके कंपटीशन में और कहती है कि अगर 2% का तुम्हारा मार्जिन है, मतलब अगर तुम 100 रुपये पर कोई चीज़ बेच रहे हो तो उस पर 2 रुपये कमा रहे हो, वो कहेगा कि मैं 5% का मार्जिन छोड़ दूंगा, मैं सीधा 95 पे बेचूंगा। वो जो अगेंस्ट कंपनी है वो आपको अच्छी चीज़ें कम भाव में प्रोवाइड कर रही है, तो आपका जो मेन बिजनेस है 2% वाले का बिजनेस है वो खत्म हो जाएगा। सो इसके लिए कहता हूँ कि बिजनेसेस पे मार्जिन कितने हैं वो देखना इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम और बाकी चीज़ें मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे देख लिया। कंपनी का मार्केट कैप नियर टू नियर 3000 करोड़ है, सो इट्स वेरी गुड कि इतना बड़ा मार्केट कैप लेके कंपनी चल रही है। बुक वैल्यू 268 है, इट्स गुड। अगर कंपनी के आरओसी और आरओई के बारे में बात करेंगे, 34 से 27 है। आरओसी का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। सो रिटर्न ऑन इक्विटी 27% है, जो कि बहुत अच्छी खासी है। बड़ी बड़ी कंपनीज भी अभी के टाइम में इतना जनरेट नहीं कर रही है दोस्तों। कंपनी का स्टॉक भी देखेंगे सो इट्स नियर नियर टू 15, मीन्स कंपनी इज वेरी अंडर वैल्यूड बिकॉज कंपनी के जो ईपीएस है वो 65 है। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर जितना ईपीएस और पीई में डिफरेंस होता है उतनी कंपनी एज एन मल्टीप्लाई बाय ग्रोथ करती है। जैसे कि अगर कंपनी का अभी समझे स्टॉक पी 15 है और यहाँ पे 65 है, मींस ये लगभग 5x है आगे। सो 2.5x कंपनी का शेयर प्राइस रन करेगा, ऐसे बड़े बड़े लोगों का कहना होता है, बट आई डोंट बिलीव इन दैट क्योंकि भाई ग्राउंड लेवल पे कंपनी कैसा काम कर रहे हो पता नहीं है। ये स्टॉक पी अचानक से कभी भी बढ़ सकता है जब कंपनी के रेवेन्यूज डाउन हो जाएंगे, सो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। डेप्ट कंपनी के पास 180 करोड़ का है, वो क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और कंपनी अपना डेप्ट
इजीली पे कर सकते हैं। अगर कंपनी के पास देखोगे तो 219 करोड़ का फ्री कैश फ्लो पड़ा हुआ है, जिसकी मदद से वो डेट रिपे कर सकते हैं या फिर यहाँ पे बिजनेस बड़ा स्प्रेड कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक कंपनी के लिए अच्छा मौका जरूर है, बट कंपनी कैसा यूज करती है वो कंपनी के मैनेजमेंट पे डिपेंड होता है। कंपनी के पास प्रमोटर होल्डिंग 51% है, 2.88 लाख कंपनी के पास शेयर है, मीन्स 2.88 लाख यहाँ पे कंपनी के पास शेयर है, उसमें से 51% प्रमोटर्स के पास है। मार्केट में बचे कुछ 1.44 करोड़ है, तो वो कभी भी अगर समझिए बुल रन आता है तो वो खत्म हो जाएंगे, बिकॉज इट्स वेरी लेस। सो यहाँ पे क्या है, सप्लाई बहुत कम है शेयर्स के लिए, तो जब भी शेयर प्राइस ऊपर जाती तो बहुत फास्ट जाएगी, नीचे आएगी तो उसी तेजी से नीचे भी आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुल रन में ऐसे कम शेयर्स वाले स्टॉक्स पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग होती है और वही शेयर्स को बहुत ज़्यादा रन करते हैं, 300%, 400% या फिर 5x, 10x भी यहाँ पे दौड़ाते हैं लोग। रिटर्न ऑन एसेट्स कंपनी के 16% है, जो कि कमाल के है। द रीज़न अभी के लिए जो इतनी बड़ी कंपनी है रिलायंस, उसके जो रिटर्न ऑन एसेट्स है नॉट इवन अ 4% के, बट इसके उससे कई गुना ज़्यादा है। सो इम्पोर्टेंट यह है कि कंपनी के फंडामेंटल्स पहचानना, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि नहीं सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज ही रन करेगी तो ऐसा नहीं है, हमें वो कंपनीज ढूंढनी होती है जो कि माइक्रो कैप से मिड कैप में आए और मिड कैप से लार्ज कैप में आए, तभी बड़ा पैसा बनेगा। अदरवाइज लार्ज कैप से और तो कुछ हो नहीं सकता है, बट शेयर प्राइजेस आपको 20-30% ईयरली रिटर्न देगी, ये आपको 200-300% का भी ईयरली रिटर्न दे सकती है। दोस्तों एक बार इस कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके चार्ट दिखाऊंगा, आपको एक बार इसका स्टॉप लॉस और एंट्री मेन एंट्री कहाँ पे होगी वो भी आपको बताऊंगा दोस्तों। सो दोस्तों अगर आप यहाँ पे कंपनी के जो सेल्स है या फिर रेवेन्यू उस पर ध्यान देते हो, तो कंपनी का जो 2011 का जो सेल्स था वो 383 करोड़ था और अभी 1500 करोड़ से भी ज़्यादा उन्होंने सेल्स किया हुआ है। पिछले ईयर से भी एक अच्छा खासा रिकॉर्ड इन्होंने 20% प्लस इनके अभी के भी सेल्स आए हुए, सो इट्स वेरी गुड। अगर कंपनी के मार्जिन्स के बारे में बात करेंगे तो 22% से 21%, इसके प्रीवियस कंपनी के मार्जिन्स कभी भी 20% के ऊपर नहीं थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे कंपनी का मैं इनकम के बारे में बात करता हूँ, अदर इनकम, सो पिछले साल 24 करोड़ माइनस में थे, इस साल 7 करोड़ प्लस में, जो कि अगेन अच्छी बात है। कंपनी का इंटरेस्ट देखा जाए तो 27 करोड़ पे करते थे एक टाइम, सबसे हाईएस्ट, उसके बाद अभी पे कर रहे 11 करोड़। इट मींस कंपनी का जो डेट है वो भी यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, वो आपको मैं यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखाता हूँ। बट कंपनी के अगर यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट्स कितना हुआ है, तो नेट प्रॉफिट 118 करोड़ से सीधा 187 करोड़। इट मींस ये जो जंप है, इतनी बड़ी जंप, नियर टू 50 करोड़ प्लस है, तो ये जंप है वो बहुत बड़ी जंप है, क्योंकि कंपनी के एक ज़माने में प्रॉफिट्स पूरे साल के 50-60 करोड़ आते थे, अभी एक क्वार्टर में, एक साल में इतने प्रॉफिट्स करवा रहे हैं। सो इट्स वेरी गुड, अच्छी बात है, कंपनी कंस्टेंटली ग्रोथ कर रही है और ऐसे ही स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए। एक बार इनका थोड़ा सा हम बैलेंस शीट पढ़ लेते हैं ताकि पता चले कि सच में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। कंपनी का अगर यहाँ पे शेयर कैपिटल देखा जाए तो 29 करोड़ है, जो कि स्टेबल है बहुत सालों से, जो कि अच्छी बात है। 2015 से इनका शेयर कैपिटल नहीं बढ़ा, जो कि बहुत अच्छी बात है। जिस भी कंपनी का कंस्टेंटली शेयर कैपिटल बढ़ता है उस कंपनी से एग्जिट कर लेना चाहिए। कंपनी का रिजर्व देखा जाए तो 186 करोड़ रुपए से अभी लगभग देख सकते हैं 700 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। कंपनी के मैंने जैसे कहा कि कंपनी एटलीस्ट यहाँ पे डेब्ट कम कर रही है, क्योंकि इसके इंटरेस्ट जो है वो पे कम हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 253 करोड़, फिर 252 करोड़, फिर 180 करोड़, फिर 187 और अभी 180 करोड़ पे आ चुके हैं। सो इन्होंने डेब्ट कम किया है सालों साल, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिजर्व्स बढ़ा रहे, डेब्ट कम कर रहे और ओवरऑल फिक्स एसेट जो है वो इंप्रूव हुए हैं, लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे इसके फिक्स एसेट्स है 670 करोड़ के आसपास, और अदर असेट्स भी इसके बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लगभग 500 करोड़ के आसपास। सो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी कंस्टेंटली एक प्रॉफिटेबल रही है और अच्छा खासा कर रही है, फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के अच्छे। चलिए एक बार इस कंपनी का चार्ट देखते हैं ताकि पता चले कि बाय करना या फिर अवॉइड करना है दोस्तों। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का मंथली चार्ट ले रहा हूँ ताकि पता चले कि मंथली में सबसे अच्छा डिमांड जोन कहाँ है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर जिंदगी में कभी भी इस डिमांड जोन पे प्राइस आती है 731, अभी तो मार्केट क्रैश हो ही रहा है, यूएस मार्केट का इन्फ्लेशन जो है वो ऑल टाइम हाई है, लगभग बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे कंपनी का अगर शेयर प्राइस किसी भी टाइम यहाँ पे आती है तो आपको बिंदास अपने पोर्टफोलियो का 10-15% इन्वेस्ट कर देना चाहिए। द रीज़न कंपनी का हाई देख सकते हो 1759 रुपये का है और लगभग वो मोर देन 60% कवर हो जाएगा, तो यहाँ पे एक बड़ी बाइंग हमें मिल सकती है। वीकली का देखेंगे तो यहाँ से एक रिवर्सल नज़र आ रहा है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। सो ये भी एक बेस्ट बाइंग जोन आपके लिए होना चाहिए, जो कि है करंट मार्केट प्राइस। तो यहाँ से ही कंपनी का शेयर प्राइस रिकवर हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं डाउन गया था बट अगेन रिकवर होके आउट ऑफ द
डिमांड जोन क्लोज हुआ है और उसके बाद ही 2 वीक में कंपनी का शेयर प्राइस उसी के दौरान दौड़ रहा है। और डेली में अगर मैं इसके चेक करता हूँ तो डेली में भी इंपॉर्टेंट जोन कौन सा, यही इंपॉर्टेंट जोन है। अभी भी आप करंट मार्केट प्राइस पे 5% ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर अगेन नीचे आता है कभी भी तो आप और यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। जो भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं लॉन्ग टर्म के लिए शेयर सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है तो आप एटलीस्ट 1 साल तो रुकिए, उसके बाद ही इस शेयर के जो बाकी आपके विचार होंगे वो देखिए। एटलीस्ट 1 ईयर तो इसको आपके पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा, उसी के बाद आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। लॉन्ग टर्म मीन्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट मेरे व्यू में एटलीस्ट आप 1 साल तो यहाँ पे रुकिए। 1 साल में आपको ये शेयर प्राइस अगेन ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज होती हुई नज़र जरूर दिखाई देगी। स्टॉप लॉस कहा जाए तो इन्वेस्टिंग है तो मैं कहूँगा कि भाई स्टॉप लॉस में यहाँ इसके नीचे ही दे दूंगा। इट्स वेरी बिग स्टॉप लॉस एक्चुअली, बट मैं कहूँगा कि ये जोन पे एक्युमुलेट करने का जरूर ट्राई कीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये शेयर था जो कि बहुत अच्छा खासा है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो ऐड कर लीजिए पोर्टफोलियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ कल के वीडियो में। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक चारों का भी लिंक है, एक बार चेकआउट जरूर कीजिए।